नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी किशोर तिवारी बोल रहा हूँ मैं, कसारेड़ी दुर्ग से। किशोर जी, कितने दिनों बाद लगा आपका फोन? सर मैं बहुत सालों से लगाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे नंबर नहीं मिल रहा था। अभी नंबर मुझे सुनते सुनते लास्ट टाइम सुना तो वो मेरे को नंबर मिला, तो मैं नंबर नोट किया, तो पहली बार मैं नंबर लगाया हूँ। अरे वाह, मतलब ये कोशिश आपकी सफल रही। जी जी, और मैं रेडियो तो लगातार कई सालों से सुनते आ रहा हूँ, बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं। और मेरे पास अभी भी रेडियो है और रेडियो का कार्यक्रम सुनता हूँ जब भी सुनने का मौका मिले मुझे। और वैसे सर ऑफिस का टाइम हो जाता तो उसमें सुनने मिलता नहीं है, सुबह 10:30 तक सुन लेते हैं और शाम को जब जाते हैं 6-7 बजे तक सुनते हैं। जी हाँ, आगे भी आपसे बात करते हैं, पहले अपनी फरमाइश बता दें आप। जी सर, ये अवतार फिल्म का गाना है सर, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। बहुत ही गीत पसंद किया आपने। जी जी जी। अच्छा, आपने कहा कि आपका ऑफिस का टाइम हो जाता है तो नहीं तब सुन पाते हैं, तो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? जी मैं ये रसमरा इंडस्ट्री एरिया है सर दुर्ग में, वहाँ पे राइस ब्रान तेल की फैक्ट्री है सर, तो वहाँ पे काम करता हूँ सर। तो आप बताइए कुछ अपने बारे में, और क्या शौक है आपके? शौक तो बहुत है सर, शौक पूरे हो नहीं पाते सर। होता ये है कि गांव में रोजगार जो है वो परेशान कर देता है। जी जी जी। अभी दीपावली की छुट्टी थी सर, तो वहीं से अपने गांव गए थे, वहाँ बढ़िया गांवों में दीपावली वगैरह बढ़िया मनाए। गांव का तो अलग ही माहौल रहता है सर, इतना मजा नहीं आता, गांव में बहुत आनंद आता है सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह प्रसन्न रहें, और हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अवतार का ये गीत। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। मत शर्माओ आ जाओ, मत शर्माओ आ जाओ, मेरी बाहों में देखो अपनी तस्वीर, मेरी निगाहों में क्या हुआ अगर काटे हैं अपनी राहों में, अपनी राहों में इन राहों में फूल बिखरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना।
हेलो सर जी नमस्कार 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 मोहनलाल देवांगन जी क्या बात है सर जी, वहाँ जी पहचान गया आपको। अरे आपका अंदाज बिल्कुल जुदा है, तो पहचानेंगे कैसे नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल क्या देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, दीपावली मिलन के लिए इस समय हम मोवा पहुँचे हुए हैं। अरे वाह, सभी मित्रों के साथ है और हम दीपावली का मिलन जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया करते हैं। हमारे वरिष्ठ रेडियो सुनता है धारेन्द्र कुमार गुरु है, अच्छा। अरुण तिवारी जी है, हाँ। गोस्वामी जी है, रतन जैन जी है। अरे वाह वाह वाह, सब मिल के हम लोग घूम रहे हैं। तो आपने दीपावली का मिलन समारोह किया था, तो हमें भी याद कर लेते आप। बचा है आपको तो दिल से ऐसे में याद करते हैं, लेकिन आप तो आपके कार्यक्रम में ड्यूटी में लगे हैं ना, तो इसलिए हम आपसे भी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आवाज से हम यदि एक दूसरे संपर्क में हैं तो हम लोग आमने सामने ही बैठे हैं, ये हमें मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप भी इसमें शामिल है, हमारे दिवाली मिलन में शामिल है सर। चलिए सौभाग्य है हमारा। अभी इन दिनों इस साल 2022 में मुझे 50 वर्ष हो गया रेडियो सुनते हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1972 से मैंने चालू किया था, यानी स्वर्ण जयंती हो गई है। 17 घंटा सुनता हूँ। मोहनलाल जी बताइए, पहले फरमाइश बता दीजिए आप अपनी। सर जी ऐसा है, देखिए अभी 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पूरा युवा चरण पर है, पूरा 22 साल हो चुका है सर जी। अरे वाह, छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बधाइयां आपको बहुत बहुत। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जब युवा जब हो जाए तो वो क्या गाता है, एक फिल्म है परागन, यहाँ तो उसका बोल है आवो झूमे गाए मिलके धूम मचाए। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पर आप झूमते गाते हुए से मनाना चाहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी। हम झूमते हैं, हमारे दोस्तों को झुमाते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को झुमाते हैं सर जी। अरे वाह, तो अपने दोस्तों से बात कराइए जरा आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोस्तों से बात कर लीजिए। जी हाँ जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा नाम बता दें आप श्रोताओं को अपना। अच्छा। जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखिए श्रोता आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, त्योहारों के बाद ही मिलते हैं और वैसे भी आप लोग आपस में मुलाकात करते हैं, तो थोड़ा सा बताइए ना किस तरह आप हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं जब भी आप मिलते हैं बैठते हैं। तो कार्यक्रम देखिए, मैं रायपुर आकाशवाणी हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूँ जी, चाहे वो युवाणी हो, आपके नीति गीत हो, कोई भी समाजी कार्यक्रम हो, और खासतौर पर सर छत्तीसगढ़ी जो गीत होते हैं ना, उनको तो कभी मिस नहीं करता सर। अरे वाह, और कौन है आपके साथ? जी मेरे साथ ये अनिल तिवारी है। हाँ, इनसे ही कराइए बात। खासतौर जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप बताएं जरा किस तरह का माहौल है आपके यहाँ? बढ़िया माहौल है सर, बिल्कुल। इस तरह कोरोना के बाद 2-3 साल के बाद लोग थोड़ा आजाद हुए हैं, थोड़ा खुल के त्योहार मना रहे हैं, खुशियों का रंग एकदम चढ़ा हुआ है सबसे। बहुत धूमधाम से सब दिवाली मनाई गई पूरे शहर में और हमारे यहाँ। तो चलिए ठीक है, कोई और साथी बात करना चाहते हैं? जी सर, मेरा गोस्वामी जी से बात कीजिए सर। जी जी सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सर हालांकि आकाशवाणी से जो है बातचीत करने का पहला मौका है और काफी मेरा जो है बढ़िया जो है अनुभव यह है कि आकाशवाणी जो है मनोरंजन के लिए और समाचार और बाकी जो प्रादेशिक गतिविधि के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने कहा कि पहली बार ये बात हुई है, तो ये आखिरी बार नहीं होना चाहिए कि आगे सिलसिला जारी रहे। नहीं 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 नहीं, अभी क्या हुआ, ये मौका मिला है श्रोता संघ की तरफ से और ये मौका जो हमेशा मिलता रहेगा ऐसे मैं समझता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप झाविंद्र जी से बात करा दीजिए जरा। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। हाँ झाविंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाएं हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच रही हैं। और झाविंद जी, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं, सभी लोग आपके बारे में जानते हैं। रेडियो और श्रोता का जो संबंध है आपस में, हम जानना चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ बताएं आप। रेडियो बहुत पैसा सर, जो आप पहले तो ये सुनते थे कि सिर्फ कार्यक्रम सुनते थे, उसके माध्यम से क्या लोगों की भावनाएं बढ़ती है और पढ़ने के साथ उसमें लेखन क्षमता बढ़ती है। अगर हो तो कोई ऐसा श्रोता नहीं हो जिसमें लेखन क्षमता की कमी हो करके, तो एक आकर्षण एक ऐसी विधा है जिससे जुड़ने के बाद लोग लिखने लगते हैं, कोई कविता लिखने लगता है, कोई आर्टिकल लिखने लगता है, तो इसमें एक शिक्षक बात ही निभाता है आकर्षण। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और हम सबकी पसंद का ये मोहन दवाई जी जो बोले हैं हम उसको सुना दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपने बहुत अच्छी अपनी भावनाएं व्यक्त की झावेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम श्रोता जो आप लोग वहाँ उपस्थित हैं, एक साथ हैं, इन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी सबकी पसंद का ये गीत। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम है पवन कुमार, मैं गांव हिंदूपुर पोस्ट समान कटरा जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ बताइए, क्या फरमाइश है आज आपकी? फूल और कांटे का सुनवा दीजिए सर। कौन सा? तुमसे मिलने को दिल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। और बताइए कुछ अपने बारे में। अभी तक तो बिलवाड़ा था, अभी मैं दिवाली पे गाँव आ गया हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ क्या करते थे आप भिलवाड़ा में? फैक्ट्री में काम करते थे, पेंट का कपड़ा बनाते थे। अच्छा, एक बार बात हुई थी आपसे हमारी, बहुत काफी दिन हो गए। जी हाँ जी हाँ, जब पहली बार जुड़ा था मैं सर आपसे। हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए कि अभी मैनपुरी में कब तक रहेंगे आप? मैं 15-20 दिन के लिए आया हूँ अपने गाँव घूमने के लिए। अच्छा, दीपावली में आए हैं आप? जी जी जी। तो कैसे मनाई आपने दीपावली इस बार? जी अच्छी तरह मनाई, और मेरे अंकल के लड़के की शादी भी थी सर। अरे तो दोहरी खुशियां हो गई फिर तो। और अभी तो सर मैं अपने ससुराल में हूँ। अच्छा, ससुराल भी यही है आपका? जी जी। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। फरमाइश। हाँ हेलो सर, नमस्ते, मैं ओम प्रकाश आंगन बोला था सर। कहाँ से बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी? ग्राम विजय तला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोला था सर। जय आंगन जी, क्या करते हैं आप? मैं टेलर काम करता हूँ सर। अच्छा, और आप सभी को घोषक को एवं आकाशवाणी एपुल अभी दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अच्छा बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आज आप? गीत के बोल है आई है दिवाली से जी घर वाली वाले। तो दिवाली का त्योहार मतलब आपने अच्छा मनाया इस बार? हाँ सर बिल्कुल भाई, वैसे सभी को मनाना है, सभी को मनाना है, ऐसा नहीं कि मतलब भाई अपन पूरा छत्तीसगढ़ में अच्छे तरीके से मनाते हैं। आपने किस तरह मनाया ये बताइए सर आप? हमने तो बहुत बढ़िया मनाया सर जी, क्या है अपने गांव में अपन गौरी गौरा का भी मतलब मनाए थे, और वही ध्यान नहीं मतलब गोवर्धन पूजा रहता है, गाय गरुवा को सुहाई बांधते हैं, सब फटाखे ऐसे फोड़ के मतलब मनाते हैं, और बिहान दिन अपने फिर माकर का कार्यक्रम रहता है अपने गांव में, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से मनाए जाते हैं सर जी। यानी कि बहुत
अच्छी तरह से आपने मनाया ये त्योहार। हाँ सर। तो ठीक है ओम प्रकाश जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे चुपने में दिल धड़काया है। लगे सजना मेरा आरा रा रा, लगे सजना मेरा आरा रा रा, लगे सजना मेरा जी। फोन इन फरमाइश। हाँ जी फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मैं दिलदार मेरी बोल रहा हूँ सर, जिला जहांगीर चापा ग्राम कुरमा से। तो बताइए दिलदार जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? सावन का आना दो सर, चांद जैसे में पड़े थे दिल जैसे सारा। ये गाना बहुत पसंद है आपको? जी बहुत पसंद है सर। जब जो गाना जो रेडियो से बजता है ऐसे तो हम सीडी अपना टेप रिकॉर्डर जैसे भी सुने, लेकिन रेडियो से जो गीत बजे उसका अंदाज कुछ अलग है सर। सही कहा आपने। अच्छा दिलदार जी बताइए अपनी पसंद और क्या क्या है आपकी? सर खेती सारे तो कर दें सर, धान अभी फसल जो है हर होना धान है, उसकी कटाई कुछ दिन बाद शुरू होगा। अच्छा जी, और अभी दीपावली जो है धूमधाम से मनाए हैं। और आपकी आकाशवाणी रायपुर का जो कार्यक्रम सर बहुत अच्छा है सर। मैं बता रहा हूँ रेडियो जो है जो दो बैंड का रेडियो था सिलोन और आपका ये रायपुर सर, इस समय से रेडियो सुन रहे हैं सर। बीच में अपना जो है कुछ प्रचलन उसका बंद हुआ तो उसी समय से आपके जो है आपका फोन कर छत्तीसगढ़ी गीत सुना, और प्रादेशिक समाचार तो सब छोड़ता नहीं है सर किसी दिन। अरे वाह बहुत अच्छी बात है ये, उससे आपको पूरी सूचनाएं मिल जाती हैं। और क्या है मोबाइल ऐप के जरिए जो अभी इसका है इसमें तो और बढ़िया है, आप कहीं भी आप सुन सकते हो। ट्राई करते करते बहुत दिनों के बाद लगा रहा था, फिर ना आज लगा है, मैं बहुत खुश हूँ आज। चलिए अपनी खुशी को इसी तरह बरकरार रखिए और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा,
जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर सागर मोती मिलते, पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। हेलो हेलो आकाशवाणी। जी हाँ, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। मैं शाहजी बोर्ड से बोल रहा हूँ जी, खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से। शाहजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? तो दिल वाले फिल्म का सुनवा दीजिए, कितना हसीन चेहरा। बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो मेरे दो दोस्तों के नाम ले लीजिए। बोलिए क्या नाम है उनके? छत्तीसगढ़ के दोस्त है हमारे, योगेश सरवा जी है, युक्ति गोस्वामी जी है और देवशंकर तामोरिया जी है जी। इन दोनों के साथ सुनना चाहता हूँ सर जी। अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मैं खेती करता हूँ सर। कितनी खेती है आपकी और क्या क्या आपने लगाया है इन दिनों? 5 एकड़ खेती है मेरी सर जी, कपास लगाई हुई है 1 एकड़। अच्छा। और तुअर का फसल लिया हुआ है सर जी। अच्छा, सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हमारे यहाँ खाली एक छोटा सा डैम है, उसका पानी आ जाता है हमारे वड़ा बोलते हम जिसके। अच्छा, तो अच्छा। एक दो महीने की सिंचाई हो जाती है, उसमें चने को पानी मिल जाता है, गेहूँ को पानी मिल जाता है। तो ठीक है शाहजी, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बना।
से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रतानी बोल रहा हूँ सर। आज क्या फरमाइश है आपकी? सर, फिल्म का नाम है मिस्टर एक्शन बॉम्बे, किशोर कुमार जी ने इस गीत को गाया है। गुनगुना दूं सर गीत को? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये गीत सुना दीजिए सर। बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने ये सर, बहुत ही प्यारा गीत है। और जब भी इस गीत को सुनते हैं तो सर पुरानी यादों में खो जाते हैं सर। किस तरह की ऐसी पुरानी यादें हैं आपकी? सर मतलब क्या है, हम लोग बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं सर, खास करके गीत संगीत के बहुत शौकीन है, इन गीतों को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तो सर वही पुराने दिन याद आ जाते हैं सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और रेडियो का वो जमाना याद आ जाता है आपको? सर मेरे को याद है 1967 से मैं मतलब जब उम्र 9 साल की थी, आज मैं मतलब 64 साल का हूँ सर। तो उस टाइम मेरे यहाँ एक रेडियो था, वाल्व वाला रेडियो बोलता, बड़ा रेडियो था, उसमें एंटीना भी लगता था। उस टाइम हम लोग मतलब उसकी शुल्क भी पटाते थे पोस्ट ऑफिस में, रेडियो शुल्क लगता था, पहले लाइसेंस होता था उसका रेडियो का। हाँ लाइसेंस होता था सर। चलो मतलब जीवन में बचपन से गीत छाए हुए हैं सर। और उस दौर का गीत संगीत भी बहुत अच्छा होता था, दिलकश होता था, दिल को छूने वाला होता था, तो और सीधा अंतस में उतर तक चला जाता था वो। और भावपूर्ण संगीत, भावपूर्ण शब्द, मतलब आजकल के गीत तो हमको समझ में नहीं आते सर, क्या सुन रहे हैं क्या गा रहे हैं लोग। चलिए ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो चलिए ठीक है, सेवाराम जी सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ।
मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। हाँ जी, फोन इन फरमाइश। मालिक राम सिन्हा बोल सर, गोवा मानपुर से। मालिक राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? आशिकी की सर का है सर। आशिकी? हाँ, गाने के बोल बताइए। अच्छा सर, कोई भी सुना देना सर। कोई सा भी आशिकी का? हाँ। और बताइए मालिक राम जी अपने बारे में कुछ। बस सर, हम तो टेलर काम करते थे, अभी बंद हो गया दिवाली के बाद। अच्छा, तो दीपावली से पहले तो बहुत काम रहा होगा आपके पास। भयंकर सर, अब रात दिन नाइट भी करना पड़ता था उसमें। अच्छा। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? मेरा काम तो ऐसे लगभग 2008 से चालू किया है सर। अच्छा, काफी पहले से आप कर रहे हैं ये काम। अभी कितनी मशीनें हैं आपके पास? मेरे पास अभी 3 मशीन है सर। अच्छा, और कारीगर कितने हैं आप लोग? नहीं, अकेला हूँ सर, और साथ में वही घर के लोग साथ देते हैं। अच्छा, तो दुकान घर पे ही है आपकी? हाँ, घर पे है सर मेरा। चलिए, फैमिली के साथ है पूरा, देखते हुए खेती बाड़ी को भी, और उसमें कहा पूरा साथ देता है मेरा भी, और मैं भी किसानी में पूरा काम करता हूँ। अभी क्या काम चल रहा है किसानी का? अभी धान की कटाई चल रहा है सर। कितना धान बोया था आपने? मेरा तो ऐसे लगभग 7 एकड़ में है सर पूरा। अच्छा, कैसी है फसल इस बार? इस साल अच्छा है सर, क्योंकि भगवान की दुआ है, पानी वानी अच्छा गिरा है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आपकी फसल अच्छी हो, आपका कारोबार फले फूले। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कोई नाम
कर पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, जा तेरी याद आई, के आ जा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, मौसम भी है मन है रंग गलियों में, चुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में, मैंने तुझको कितना ढूंढा तेरी। हेलो, हाँ फोनिंग फरमाइश। सर जी मैं मोहाल जंडपुरा पनवाली जिला माओवा से देवदीन अहरवाल बोल रहा हूँ सर जी। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी देवीदीन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हमको मन की आंखों का गीत सुनना है, भुला दिया आजा रच गया। मन की आंखें, हाँ जी ये सुनना है। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, बहुत अच्छा गाना पसंद किया आपने। हाँ जी हम पुरानी गाना पसंद करते हैं। तो ये पुराने गाने क्यों अच्छे लगते हैं आपको देवीदीन जी? हमको उनका वो साजबाज कलाकार गायक जो भी अच्छे निर्देशक हैं वहाँ पर सारे लोग अच्छे लगते हैं, नया गीत हमको अच्छा नहीं लगता है। पुराने श्रोता हैं हम। अच्छा अच्छा 25 साल हो गए हमको सुनते सुनते। अरे वाह, कौन कौन से केंद्रों के कार्यक्रम सुनते हैं आप? अभी तो एक छतरपुर सुनते रहे। अच्छा हाँ जी, लखनऊ है और काफी जगह पे सुन रहे। अभी हम मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने लगा ना, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ मोबाइल ऐप पे बहुत सुविधा हो गई अब कार्यक्रमों को सुनने की। हाँ जी अभी हाल रेडियो में आता था तो रेडियो में सुनते रहे। अब मोबाइल से सुविधा हो गई है तो फिर हम रायपुर है सर कहीं भी लगा देते हैं। हाँ सब जगह सुन सकते हैं। अच्छा देवीदीन जी बताइए क्या करते हैं आप? सर जी मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा कितने सालों से कर रहे हैं ये काम आप? हमको हो गए करीबन 25-30 साल हो गए। अच्छा आप तो काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, तो हाँ, जो बीच बीच में फैशन बदलता रहता है तो वैसे लोग आते होंगे आपके पास कि ऐसे कपड़े सिए हमारे, आप इस तरह से हमें सी कर दें कपड़े, तो उनकी फरमाइश आप किस तरह पूरा करते हैं, कैसे खुद को अपडेट रखते हैं आप? हाँ जी जैसे वो कोई नया डिजाइन आया है ना तो सैंपल देख लिया तो उसी हिसाब से बना देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर दिन का काम कम हो गया रेडीमेड की वजह से तो उतना काम अब नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, सीजन भर चलता है बस, रेडीमेड काम ज्यादा, नए लड़के रेडीमेड ज्यादा पहनते हैं। जी जी सर जी हमारे लड़के स्वयं नहीं पहन रहे हमारे बनाए कपड़े, वो रेडीमेड लाते। अब देखिए समय बदलता रहता है तो उसे भी स्वीकार करना पड़ता है हमें। और क्या जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म मन की आंखें का ये गीत। आ
ये था आज का फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए अपने साथी प्रकाश उदय को।